बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास अहमद और आप देख रहे हैं कैरीशान यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन के हवाले से या कोई नोटिफिकेशन आता है, फौरी तौर पे इस चैनल के ऊपर वीडियो बना के आपको न्यूज़ जो है जो अपडेट होती है उसके साथ हम आपकी रहनुमाई भी करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे जो थे मुझसे इंस्टाग्राम की आईडी के ऊपर पूछ रहे थे, बार बार कुछ व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ रहे थे कि क्या जो है पेपर जो है वो कैंसिल हो चुके हैं या कर दिए गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस हवाले से इत्तेजाज जो है मुल्क के अंदर शुरू है, तो इस वजह से बच्चे पूछ रहे थे कि क्या पेपर जो है वो कैंसिल हो चुके हैं या नहीं हुए। इस हवाले से हकीकत क्या है, सबसे पहले बच्चों मैं आपकी एक बात क्लियर कर दूं, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था इसी वजह से किया था कि आपके साथ मैं रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो शेयर करूं। तो जब मुझे पता चला, बच्चों ने लिंक जो है मुझे शेयर किया, एक यूट्यूबर की तरफ से जो है एक अफवाह फैलाई गई कि जी पेपर जो है आपके अब कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर दिए गए हैं, कुछ देर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस तरह की जो है अपने पास से उसने व्यूज़ लेने के लिए, सब्सक्राइबर लेने के लिए ये काम किया। लिहाजा जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया इस हवाले से, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई खबर सामने आई है। अगर आएगा तो मैं इस चैनल के ऊपर आपके साथ वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा न्यूज़, ठीक है। लिहाजा इस तरह के फ्रॉडियों से आपने बचना है जो अपने पास से फेक न्यूज़ फैलाते हैं और आपको गमराह करते हैं। तो ये मुझे बहुत दुख हुआ ये चीज़ देख के, क्योंकि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका ध्यान जो है इस वक्त पेपरों के ऊपर है, ऊपर से उन्होंने अपने व्यूज़ के लिए वीडियो बना दी कि जी पेपर कैंसिल हो गया इत्तेजाज की वजह से, जी ऐसे हो गया ऐसे हो गया, ठीक है। शायद आप जो देखने वाले हैं इनमें से किसी बच्चे ने वो वीडियो देखी हो। मुझे बच्चों ने बताया, मुझे भी नहीं पता था इस चीज़ का। मैंने कहा बोर्ड ने तो नोटिफिकेशन नहीं दिया, गवर्नमेंट की तरफ से तो इस तरह का कोई खबर जो है वो सामने नहीं आई पेपर कैंसिल होने के हवाले से, तो ये कहाँ से बच्चों ने खबर ले ली। तो वो मुझे पता चला कि ये किसी यूट्यूबर ने जो है ये काम किया है, अफवाह फैलाई है, फेक न्यूज़ फैलाई है। तो आपने बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इससे फ़ायदा ये होगा कि इंशाल्लाह मैं रियल न्यूज़ ऑथेंटिक जो गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, बोर्ड की तरफ से आएगी, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपका जो है टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा जो है आप इस तरह के जो फ्रॉडिये हैं, जो इस तरह के जो है जाली खबरें बनाते हैं, उनसे भी बच जाएंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। पेपरों की तैयारी अच्छे तरीके से करें, बाद में ये ना हो कि आप तैयारी अच्छे तरीके से ना करें, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। बाद में अगर नंबर कम आएंगे आपके लिए मसला बनेगा, आपके वालदेन परेशान होंगे और आपको आगे एडमिशन नहीं मिलेगा। अपनी पूरी तैयारी करें और इस तरह की जो अफवाहें हैं उसके ऊपर यकीन ना करें। बाकी अगर कोई इस तरह की खबर आएगी तो मैं नोटिफिकेशन के साथ इस चैनल के ऊपर आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।